गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 26 गांव के ग्रामीण समान मुआवजे को लेकर लगभग 1.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपनी मांगों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। और पिछले कई साल से जब से सड़क बन रही है, ये 3-4 लोग यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे 3 पब्लिक, सतीश एक और कहाँ है, महबूब अली तो वही होंगे ना जो इसमें कट में भी गए या दूसरे हैं, कोई बाद में जुड़ा हाल ही बाद में कोई बात नहीं। अरे सारी कमेटी है, और देखो इसमें अब 550 संगठन इस मोर्चे में हैं। अब कोई एक संगठन का देश में ये नहीं कि आंदोलन एक ही कोई कर लेगा, ये तो सरकार 550 का काबू नहीं आ रही, एक तो क्या कर लगता है इसमें। एनएचआई के अधिकारी को हमारा ये है कि भाई अगर आपने देश में कहीं दिया है, इसी गाजियाबाद में आपने जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उसमें समान मुआवजा दिया है तो भाई यहां पे भी दे दो। वे इनसे हमने दस्तावेज मांगे कि वे हमको कागज दे दो आप, क्योंकि आगे की लड़ाई उसी के आधार पर लड़ी जाएगी। यहाँ के कई मामले, यहाँ के मुआवजे का मामला बहुत दिन से लड़ रहे, बहुत तरह का आंदोलन लोगों ने करा, इससे पीछे एक कट है, उसका कट का मामला, वो भी गांव जलालाबाद नूरपुर कट बढ़ रहा, उधर गए भाई बंद करेंगे। भाई बंद कट को कहीं से करोगे भाई, एरिया कहोगे जी उन्होंने फेर खोल दिया, बंद कट को तो भाई ट्रैक्टर ही खोल लगा भाई, ध्यान से बंद करियो, ठीक है। बंद कट मतलब गांव में आप बंद लगा दोगे, उससे जेसीबी से खोद कर उसे बंद कर दोगे सड़क को, वो तो बोल जाओ। जब यहाँ किसान ये भोजपुर का कट दुआ सके, एक ही तो पंचायत करी थी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, एक हुई थी ना, हम नहीं आए, यहाँ के और भी लोग आए, सभी आए, तो भाई वहां पे भी जब खुदरा भाई कभी ये गांव के लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे आप अपना नाका लगा लो तो क्या दिक्कत होगी। एक और मामला वहां पे जब लाल कुआ है, वहां एक बिल्डिंग बचाने के लिए, एक वहां बिल्डिंग है पुणे पे, वह बिल्डिंग बचाने के लिए गांव की करीब 25 फीट जगह खा गई, चिपियाना गांव की। भाई उस दिन कहां सो रहे थे चिपियाना गांव वाले, जब सड़क आश्वासन थे, सड़क रुके करें आश्वासन थे, हाँ उतार लो भाई उतार लो। मैं आंदोलन तो सरकार मान नहीं, तम से मंत्री ना हरेक आश्वासन से मान देंगे, ये थोड़े झूठे हैं बहुत थोड़ा, हम ही बताऊंगे फिर समय रास्ता कैसे होगा। एक ही लोगों ने यहाँ अपने पोल लगा रखे अपने खेतों में, आज आगे कोई संबंध नहीं आ रहा, हाँ पोल लगा रखे, चलो आंदोलन में तो गई नहीं कोई बात नहीं, 10 दिन से जुड़े 10 दिन से ही सही, इनके पोल इनके खेत में जाकर तोड़े। अब आपका पोल जिसने तोड़ा, आप अपना ट्रैक्टर टोल लेकर बटो टोल पे, देखो जिसने पोल तोड़ा पहले वो पोल खड़ा करेगा, देखो बिना रोड रुके गए तो कुछ होता नहीं भाई, आप सुखे ही होंगे, कोई सुखी तुम्हें मिठाई वो दे देगा किसे तो कुछ नहीं। एक बुड्ढा था हरियाणा का, वो बागपत मान कर रुक जाकर था, पूरा रखा कर था दिल्ली में, वहां रुक गया, कह गए शाम को भाई मैं रुक गया, मुझे दवाई लेनी थोड़ी सी मलाई दे दो, उन्हें सोचा भाई दवाई लेता होगा, मड़ाई घर वालों को से ले ली और पूरा अपनी थैली में तक खा लिया, रंगड़ी तक अपना मिलाकर अपना खा लियो, कह ले पापा तू तो बहुत राच है, कह लगा मड़ाई मुझे बढ़िया लगे सुन भाई, मड़ाई तो बढ़िया सबको लगे, मड़ाई तो बढ़िया सबको लगे,
इनमें काम करो, इस पर लगाओ होल्डिंग। और जिसने तोड़ा वो थारा इतने पंडा ना छोटो, इतना थारा वो ना काटते, ठीक है बस। और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो ऐसे मौके की सड़क है, इससे तो ये एक सड़क का पुआ जाओ, इससे तो पूरे देश की लड़ाई लड़ी जाएगी इस सड़क से। तो इसमें तो कहना था हम सारे गांव के लोग संगठन बढ़ाकर ठीक सा रखो, मदद बहुत करता है यहाँ के आसपास के लोग, और गांव से लोग यहाँ से जाते हैं, राशन पानी लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर जा, समय समय पर जरूरत होती है, जब भी आदमी की जरूरत पड़ी तो इस क्षेत्र ने हम हमेशा मदद करी। अब 10-11 या 15 तारीख के बाद में अब गांव चुन लेना भाई, इतने तो बता नहीं अध्यक्ष ने तो विजेंद्र ने, हर गांव से एक दिन दूध और जाकर वहां पे, अभी आपूर्ण का नंबर था, अब आपका भी लगा यहाँ का, क्योंकि दूध तो चाह रहे जो लोग वहां पे बैठे, उन्हें एक गिलासी तो दूध मिल जाना चाहिए। हाँ बट ठीक है, ये लड़ाई लड़ा गया भाई, बिंदु का धन्यवाद बहुत आप सबका। गाजियाबाद के मोदीनगर में ग्राम पंचायत बिसोखर लंकापुरी व महेंद्रपुरी जगतपुरी में चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे भाजपा नेता पुष्पेंद्र रावत। ग्राम की खाली पड़ी जमीन पर नगर पालिका परिषद मोदीनगर ने कूड़ा करकट डालने का स्थान बनाया हुआ है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो सकती है। इस समस्या के लिए धरने पर बैठे लोगों को भाजपा नेता पुष्पेंद्र रावत ने आश्वासन दिया है कि जल्द सभी की समस्या का समाधान कराया जाए। सभासद जी हैं, प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं, देखिए हम 3 साल से परेशान हैं, सारे व्हाट्सएप भी कर दो, मैं लेकर आ लूंगा। हाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।